जय हिंद मेरे दोस्तों। आज आप लोग के बहुत अच्छा होगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास और 12th क्लास के सेकेंड टर्म का एग्जाम का डेट रिलीज कर चुका है और वह एग्जाम जो होने वाला है आपको 27 अप्रैल से स्टार्ट है। तो आप लोग रात दिन संघर्ष करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछते रहिए। आते हम लोग कुछ इंटीग्रेशन का, कुछ आपका फॉर्मूला जो है जो यूज होता है उसको आज हम थोड़ा क्लियर फॉर्म एक बार और आपको डिटेल बता दे रहे हैं। चलते फॉर्मूला की ओर। अब देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ x पे पावर आपका लिखा हुआ है इन dx, इसको करना है। तो क्या इसका फॉर्मूला जो होता है आपको x पे बढ़ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यह एगो पावर बढ़ जाएगा तो n तक n प्लस वन हो जाएगा, पावर वा नीचे डिवाइड हो जाता है आप प्लस सी, क्योंकि यह इंडिफिनिट टर्म है। ये क्या है, इंडिफिनिट है तो इसलिए अब हो जाएगा यहाँ पर कॉस के जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस सी, यहां हो जाएगा log, अब मॉडुलस हो जाएगा x प्लस सी, उस वक्त यह आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा c, इसको करेंगे तो sin इनवर्स x, वन इंटीग्रेशन dx बाय हो जाएगा वन माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा sin इनवर्स हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो जाएगा, या हो जाएगा आपका sec का ही है, कितना है sec इनवर्स का है, क्या है जी, या sec x इनवर्स हो जाएगा प्लस सी, यह हो जाएगा a पे पावर x है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका a x बाय हो जाएगा log a और प्लस हो जाएगा c। तो मेरे दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा, और भी बहुत सारे फॉर्मूला इसमें होता है, जैसे कि मान ले कि ध्यान देना जरूरी है कि अगर tan रहे तो tan इनवर्स के क्या हो जाएगा, tan x के क्या हो जाएगा tan, तो इसको क्या बोलते हैं, तो यह जो हो जाएगा बहुत सारे इसका कंसेप्ट, तो यह हो जाएगा आपका log sec x प्लस ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ sec। तो ये दोस्त यह आपका मतलब कि फॉर्मूला है लॉग का, जो हम मतलब कि इंटीग्रेशन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बनाते समय, आपको दिमाग में यह बात जरूरी होना जरूरी है, क्योंकि देखिए जो भी इंटीग्रेशन होता है हम लोग बनाते हैं वो जनरली 100% जो होता है फॉर्मेटिकली होता है, मतलब फॉर्मूला पे ही डिफाइन होता है। अब आते हैं कुछ ऐसे हम लोग क्वेश्चन और डिटेल जानने जा रहे हैं जो आपका यूज होता है। आते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला की ओर भी जाएंगे, अब कुछ फॉर्मूला को बता दे रहे हैं। आप ध्यान देना जरूरी है कि यह फॉर्मूला जो है आपका, अगर मान ले ध्यान देंगे इसको इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो अगर यह तरह का फॉर्मूला जब हमको ध्यान देना जरूरी है कि यह आपका एल्जेब्रिक है और इस तरह का बनाने का रहता है, तो पहले इसको हम करते हैं, इसको हम ए एक्स प्लस सी बी लिख देते हैं, यह हो जाएगा आपका डी बाई हो जाएगा आपका डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं प्लस बी। और ध्यान देंगे यह कैसे होगा कि क्योंकि हम लोग इसको शॉर्टेस्ट लाने के लिए एक मतलब कि हम इसको ढाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान देंगे इस कंडीशन कब ला सकते हैं कि जब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें एक चेंजिंग आएगा, मतलब शॉर्टेस्ट चेंजिंग होगा जब इसका पावर इसके पावर से थोड़ा सा ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का पावर एक कम हो डिनोमिनेटर से, तो उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उस कंडीशन आपको बनेगा, ज्यादा का डिफरेंस होगा तो वह उसके मुश्किल है, उसको हम लोग बनाना बहुत दिक्कत हो सकता है सॉल्व करना, तो यह कंडीशन में इसको इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपका सॉल्व होगा। अब आते हैं मेरे दोस्त इसको बनाएंगे, इसको इस तरह का इस्तेमाल हो गया। अब बाय पार्शियली होता है ना, बाय पार्ट होता है, जब बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई होता था हम लोग बाय पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बनाते हैं इंटीग्रेशन में, जैसे कि मान लीजिए एक्स इंटू ई पे पावर एक्स और यह हो गया। अब अगर इसको हम लोग बाई पार्ट जब नहीं करेंगे तो हमको दिक्कत आ जाएगा, बाई पार्ट करना पड़ेगा, और ध्यान देना जरूरी है कि इसको हम लोग आई लेट से बनाते, आई एल ए टी ई आई लेट,
ई मीन्स होता है इनवर्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा। एल से हो जाएगा लॉगरिथम, ई से हो जाएगा एक्सपोनेंट, एल से हो जाएगा एल्जेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, आई से एक्सपोनेंशियल, इस तरह आया था। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह जो इनवर्स बहुत आपको मतलब कि बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए कहा कि इसको हम लोग हार्ड मानते, ऐसे हार्ड चलते हैं। सबसे आपको इजी है यह, आपका इजी फर्स्ट पे आता है, इसको सेकंड पर, इसको थर्ड पर, आया आपका फोर्थ, आया फिफ्थ, मतलब सबसे हार्ड होता है। अगर यह आता है तो पहले निकाल दिया जाता है क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन, अगर साइन इनवर्स को इंटीग्रेशन करे साइन इनवर्स के, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन किया जाए तो बहुत मुश्किल के सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसको, क्योंकि यह इनवर्स है तो इसको क्या करना, फॉर्मेशन चेंज करना पड़ता है। अब फॉर्मेशन चेंज करते हम इसको इसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि इसको मान लीजिए साइन के, साइन इनवर्स आपके पास दे दिया मेरे दोस्त, तो साइन इनवर्स देखते हैं, थोड़ा सा बता दे रहा आपको। साइन इनवर्स अगर कर रहे, साइन इनवर्स अगर एक्स कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ध्यान देना जरूरी, यह आपको फाइव पॉइंट पर आईलेट पे देखते थे आईलेट, तो ध्यान देना जरूरी है कि यह इनवर्स आगे पास पे आ गया, इसके साथ एक कॉन्स्टेंट है पहले ही आ गया, तो यह अलजेब्रिक जैसा है, तो इसका मतलब पहले यह आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर वन जो छुपा हुआ उसको इस्तेमाल कर लेंगे, इसको बाहर ही निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि इसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा और मुश्किल के सामना करना पड़ सकता है। माइनस हो जाएगा, अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। अब ध्यान रखना जरूरी है, उसके बाद जो ए है इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इसका एक्स हो जाएगा। अब ध्यान रखना, फिर डी एक्स उसके बाद अगेन करते हैं, तो ध्यान देना जरूरी है कि इसको नहीं बुझाया होगा जिस बच्चे को, तो इस बार और बता रहे हैं, वो बच्चे को नहीं बुझाया होगा क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटे से छोटे बता दे कि वह बच्चा भी समझ जाए जो पहला बार मैथ मतलब पढ़ना जान रहा है। तो पहले इसको बात बाहर ही निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हार्ड है, इसको यह करेंगे, उसके बाद सेकेंड फंक्शन यह डिफरेंशिएट कर दिए हैं, डिफरेंशिएट कर दे, यहाँ डिफरेंशिएशन इसका आपको बताएंगे, उसके बाद डॉट हो जाएगा आपका, उसके बाद फगेर वन का इंटीग्रेशन करेंगे, यह जो सॉल्व हो जाने के बाद अगेन जो आएगा रिजल्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, यह आपका फाइनल आता है। सुनो आपको, यह आपको बाय पार्ट ऐसे चलते हैं, अब आगे चल के और बढ़ते हैं, तो यह पार्ट जो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इनटू हो जाएगा एक्स माइनस, इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा आपका वन बाय एक्स स्क्वायर, वन माइनस स्क्वायर का रूट अंडर इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब मेरे दोस्त आगे की ओर इसको बढ़े तो हमको एक बात मिलेगा, साइन इनवर्स माइनस, आइए हटा दे रहे हैं, तो इसको करेंगे तो ध्यान देंगे एक्स हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स का होल एक्स स्क्वायर या डी एक्स। अब ध्यान देना जरूरी है कि यहां पर एक्स है, अगर इस पार्ट को अगर हम टी कुछ मान ले रहे हैं तो क्या होगा, इस इजी से सॉल्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि इसको हम टी अगर मान ले रहे हैं टी, तो इसको हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, तो डी टी बाई हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स, डी एक्स के स्थान पर यहाँ पर हम रख देंगे मेरे दोस्त, या हटा दे रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि मतलब कि इसको कितना हार्ड हो गया आपका देखने में, क्योंकि हम उसको डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा एक्स रूट अंडर हो जाएगा आपका टी माने थे, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी बाई, इसके स्थान में पुट करेंगे तो बाई टू एक्स, तो यह कट जाएगा, यह आपका हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी टी वन बाई टू हो जाएगा, इसको पावर नीचे करेंगे तो यह ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा रूट अंडर टी, रूट अंडर टी हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं
वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी, यह पार्ट कहां से आया है, यह जो पार्ट है यहां से आया हुआ, इसके मान यहां पर हम पुट कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट अंडर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर प्लस हो जाएगा सी। तो राइट ये आपका आंसर यहां तक आ गया। अब मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी, कोई बच्चा वो डायरेक्ट सोचे कि अगर साइन वर्स जो है अगर हमको इसको बना ले रहे हैं तो यह नहीं बनेगा, यह आपको डायरेक्ट नहीं बनने वाला है, आपको हमको बाई पार्ट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपको दिमाग बात रखना है, कुछ ऐसे जिसे जब से इंटीग्रेशन जो है आपका, आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आपको बस क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा सॉल्व करना, क्योंकि हम तो इसके पास मेरे पास फॉर्मूला नहीं था या इसलिए इसको हम बाई पार्ट पे इस्तेमाल किए। यहाँ बाई पार्ट पे इस्तेमाल करने के बाद उनका कि फॉर्मूला जो था उसी के रूप में हम ढालते चले गए, फॉर्मूला जहां तक था उस माध्यम में चलते हुए उस लाइन पर जब आए थे फॉर्मूला रूप में ही ढल गया, यहाँ लास्ट में हमको फॉर्मूला ही तक चौंपना पड़ा। इसका मतलब वो दिमाग में आ रहा है कि हमको इंटीग्रेशन जो होता है जब तक ले फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ले वो बन नहीं पड़ेगा, नहीं बन पाएगा। आई होप कुछ समझ में आया होगा। आप लोग ट्वेल्थ क्लास जो 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 भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चा है वो संघर्ष करते रहे, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सएप के माध्यम से, आप वो टेलीग्राम का एक हम लिंक बना दिए हैं जिसमें ग्रुपिंग में बहुत सारे बच्चा है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बच्चा उसमें बहुत सारे डिस्कशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। और उसमें अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें एक्सप्लेन करके डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहिए, संघर्ष करते रहिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।